उनकी आत्मा है भीम जैसी भयंकर फाड़ बजाने वाली, और किसको जैसों को भी मारती है, बड़े बड़े राक्षसों को भी मारती है और सौ कौरवों को भी अकेले ही मौत के घाट उतारती है। भयंकर माने भीम, ऐसी ऐसी कैटेगरी बताई गई पांचों पांडवों में। आदर्श शिव बाबा का पार्थ श्री का पुरुष का श्रीकेतन में आया, ब्रह्मा की तूल है, ब्रह्मा की तूल में भी, ब्रह्मा में भी शिव बाबा आते हैं और राम में भी शिव बाबा आते हैं, शंकर में भी शिव बाबा आते हैं, श्रीकेतन में आते हैं। शंकर के द्वारा जो शिव बाप बाप का पाठ बजाते हैं वो तो बाप हो गया, और ब्रह्मा की तो जो प्रवेश करती है माता के रूप में पाठ बजाने वाली तो माता हो गई। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उस आदरणीय के रूप से माता और पिता के रूप से परिवार की जिस समय पालना होती है वो है माता पिता का कॉम्बिनेशन। बाबा जी के तंग में बाबा आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, बाबा कहाँ आते हैं, ब्रह्मा की तो लाती तो उनके लोगों को बोलने से क्या होता है, आप क्या समझते हैं सच्चाई तो पकड़ो। हैं आप जवाब क्यों नहीं देते, जवाब दे उनकी बात से प्रभावित हो जाते हो तभी से हम बोल रहे हैं, अगर उनकी बात से प्रभावित नहीं हो तो बोलेंगे क्यों, उनकी बात क्यों बोलेंगे। बाबा 2008 में ब्रह्मास्त्र विश्व हो जाएगा, तभी हो जाएंगे ना पांचवी ब्रह्मा, तो फिर उसके बाद महाकाली कैसे बनेगी, महाकाली का पाठ आखिरी दुनिया में होगा या दैविक दुनिया में होगा, देवताओं की दुनिया में श्रृंगार करेगी ये आसमित दुनिया में श्रृंगार करेगी, करेगी असमित दुनिया में, पर वो तो खुद देवी धारा देवी ब्रह्मा तो विष्णु बन रही है ना, वो भी आत्मा बनेगी, वो क्यों कर रही है अंदर से एक बाहर से दूसरा, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के, और ब्रह्मा तो विष्णु पूरा नहीं है, है वो पूरा नहीं है विष्णु, अभी है पूरा नहीं 2008 में भी, ये तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, नहीं अभी बाबा ने क्लियर कर दिया है बाबा, क्या 2008 में वैष्णव की आत्माएं आ रही है, प्रत्यक्ष होगी तो सबके सामने होगी कि थोड़ों के सामने प्रत्यक्ष होगी, थोड़ों के सामने होगी, थोड़ों के सामने उनके लिए विष्णु है, पर बाबा ये तो पता हो गया ना एडवांस वालों को कि विष्णु पाठधारी आने वाला है, हाँ ठीक है, और ब्रह्मा पार्टी वाले ब्रह्मा मतलब जो फॉलोअर्स है विकेट थे ना हम लोग, तब हमको पता नहीं था क्या शंकर पाठधारी कोई आत्मा भी होता है, शंकर पार्टी भी है, क्यों नहीं पता नहीं यहाँ तो पढ़ाई ही पढ़ाई जाती है कि वैष्णवी आने वाली है आह्वान करो ऐसा करो, जो आत्माएं सैव संप्रदाय की होगी वो देवपीठ में आने मात्र से ही उनकी बुद्धि में ये बात टकराने लगेगी कि ब्रह्मा को ही क्यों दिखाते हैं शंकर रूप क्यों नहीं दिखाते, हाँ जी बाबा, तो ये बोला ना बाबा कैसे होगा, क्या कैसे होगा, ब्रह्मा तो विष्णु पांचवा नहीं बनेगा, तो ब्रह्मा पहला होगा तो पहले विष्णु बनेगा, सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी बनेगा, बाबा ने बोला 2036 तक पूरा यज्ञमाला का आखिरी मंत्र है यज्ञमाला, वो प्रकृति का पाठ है भाई लास्ट अंतिम में विनाश करेगा, ठीक है वो तो स्थूल बात है, हाँ, तो पहले सूक्ष्म में ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या पहले स्थूल में होगा, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में होगा फिर बाद में स्थूल दुनिया में होगा, तब तक नहीं बनेगी पूरी लगभग, तो किसी व्यक्ति का नाम है ना कि आत्मा का नाम है, आत्मा भी संपन्न चाहिए और शरीर भी
संपन्न चाहिए। आत्मा तो विष्णु बन रहा है। हाँ बिना जगदम्बा में विष्णु बनता है क्या है? कैसे महाकाली बन रही है? अपना पार्ट अलग स्वयं का तो ब्रह्मा तो विष्णु हो रहा है ना। हाँ महाकाली क्या पार्ट है वहाँ अस्तित्व होना चाहिए, और जहाँ लीलेंसी का पार्ट होना चाहिए वहाँ लीलेंसी होनी चाहिए। हर जगह अस्तित्व होगा तो नहीं होगी, कॉम्बिनेशन चाहिए। हाँ लाभ और लाभ का बैलेंस चाहिए बाबा। कृष्ण को वक्राष्ट्र बोला है, कृष्ण को वक्राष्ट्र बोला है आज की अच्छा वक्र कमर भी टेढ़ी है, कोहनिया भी टेढ़ी है, गलिया भी टेढ़ी है, गणेश भी टेढ़ी है, पाँव भी टेढ़े हैं। तो प्रधान है तो अच्छा वक्त देखने में आता है, सतो प्रधान है तो नारायण देखने में आता है। बाबा ने कहते हैं हिसाब किताब है तो हम बीच आश्रम से हमको निकाला जाता है। पूर्व में हमने उनको अपने राज्य से बाहर निकाला होगा तो वो हमको अपने राज्य की अपने आश्रम की चौथी से बाहर निकाल देते। तो बाबा ये हर एक आत्मा के लिए हो रहा है अभी, तो क्या हर एक आत्मा राजा है क्या? यहाँ यहाँ जो अनंत पार्टी में आते हैं वो राज घराने के नहीं है, राज घराने के राजा अरे एक तो आठ ही है, राजा एक तो आठ है, लेकिन राजाओं के घर में पलने वाले जो प्रिंसेस होते हैं ढेर के ढेर, वो उनकी गिनती नहीं की जाएगी। उनको पावर नहीं है किसी आदमी को धक्का देके बाहर निकाल देना। लेकिन आगे अभी आपने बोला की ब्रह्मा की तौर तो धारणा में नंबर वन पति थे तो वही तो श्री कृष्ण है ना। हाँ तो क्या हुआ फिर आश्रम तो कैसे हो सकती है? आत्मा तो प्रधान नहीं बनती है धारणा में, तो आप धारणा में जिनके लिए अच्छी थी और जिनके लिए अच्छी थी उन्होंने ही उसको दुख दिया, उनको वो सत्ता को पूरा करेगी तो उन्हें क्या दिखाई देगी? अच्छा वक्र दिखाई देगी। बाबा कर्ण सूर्य पुत्र है, कर्ण सूर्य पुत्र है, कर्ण को कौरव को साक्षी दिखाए सूर्य का पुत्र है, कारण जो है पांडे का पुत्र तो नहीं है, पांडु का पुत्र तो नहीं है, सूर्य का पुत्र है। सूर्य ने पहले ज्ञान लिया इससे भगवान को, भगवान जब आते हैं तो सूर्य को पहले ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान किसको मिला पहले? प्रजा पिता को मिला। देवान की औलाद हो गई या पंडा की औलाद हुई? वो देवानियों के पक्ष लेता है या आत्मा अभिमानियों को पक्ष लेता है? कौरवों को पक्ष लेता है। सूर्य तो पहले ज्ञान लेता है, सूर्य को कैसे ज्ञान लेता कौन है पहले? क्यों लेता है ज्ञान? ज्ञान किस लिए लिया जाता है? बनता है तभी ज्ञान लेता है। इस ज्ञान की दरकार क्या है? आत्माभिमानी देहाभिमानी सब प्रधान है, देहाभिमानी सूर्य तपेगा, सूर्य इतना तपेगा कि चारों तरफ हाहाकार हो जाएगा, उतना जल ही खोलने लगेगा, लगातार बरसात होगी मुद्रा था। फिर तो पंडे के पुत्र है, पंडे के पुत्र है, पंडा है, रास्ता दिखाने वाला शिव है, लेकिन देव देवधारी है। बाबा अव्वल नंबर है, अव्वल नंबर अव्वल नंबर चल रहे हैं, चंगा मिली सर आज
2018 से आगे 2018 से ही तो शुरू होगा छत्तीस अव्वल नंबर जो स्वर्ग है वो 18 साल का तो होगा। ज्ञान तो दृष्टि से जब जो संपूर्ण हो गया तो उसकी दृष्टि सृष्टि पर परिवर्तन नहीं होगी। सबसे अच्छा पुरस्कार तो नारायण विराज वो तो नेक्स्ट शिव बन रहा है ना शंकर। हाँ तो क्या हुआ नेक्स्ट शिव कहा जाएगा किसका काम पूरा तो वो अच्छा में तो फरम नाम नहीं जाएगा। और कहाँ जाएगा आपके जाएगा आपके पास जाएगा छत्तीस में जाएगा ना उनका 9 साल 36 में पूरा हो रहा है। उनका स्थापना का काम पूरा हुआ नई दुनिया सर का फाउंडेशन डाल दिया नई दुनिया का उद्घाटन हो गया फिर दिन क्या करेगा आप ही तो वाणी में बोला नई दुनिया का उद्घाटन करने में आता हूँ क्या फाउंडेशन डालने के लिए आता हूँ तो की जगह जो जिसके लिए बोल दिया सदाकाल सृष्टि पर कोई शिकायत है नहीं शिव बाबा तो सदाकाल है तो आपको शिव बाबा चाहिए ये फिर चाहिए का भी तो बात है ना कहाँ मना कर रहे हैं जब शिव शिव गया सब कुछ तो है लेकिन जो सब कुछ है वो पकड़ में आता है पकड़ में कौन आता है जैसे कि ब्रह्म को याद करने वाले भक्ति भाग हैं राज्यकर्ता जो नारायण को याद करने वाले जो है वो धर्म स्थापन करने चले जाते फिर तो वो सभी बड़ा पतित बन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो पतित ही बनते हैं ना ठीक है तो उससे कहीं पतित न बने इनके लिए क्या पूछताछ कर रहे व्यापार और पतित न बने उसके लिए क्या पूछताछ करना चाहिए पवित्र रहना चाहिए योगी बनना चाहिए वो यहाँ करेंगे कोई बात करेंगे वैसी बात नहीं लेकिन उस टाइम नॉलेज देने वाला भी कोई नहीं रहेगा यहाँ संस्कार डाल लिए नॉलेज देने वाले का साथ देने के उनके संस्कार वहाँ भी पक्के बने रहेंगे साथ देंगे और कोई का साथ नहीं देंगे वो बात सच है बाबा जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो बाबा ने बोला है ना नंबर वन शादी का नहीं प्रवेश ठीक है तो फिर पति कैसे बड़े इतना सारा ज्ञान ज्ञान देते हुए भी वो आत्मा नीचे कैसे गिरती इसी पति क्यों के ऊपर जिम्मेवारी कितने की है और आत्माओं के ऊपर जिम्मेवारी कितने लोगों की है थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी जिसके ऊपर होल सोल जिम्मेवारी है तो सबका संग आएगा ना सबके संग के रंग आएगा ना लेकिन गिर गया बाबा ने क्या बोला है प्रजापिता ने है की आत्मा है तो फिर वो मैंने द्वापर युग में फिर जल्दी नंबर वन मान ले नंबर वन कहा गया है ना तो क्यों कहा गया है नंबर वन इतना सारा ज्ञान है तो फिर वो नंबर वन पहले काली काटा क्यों बोलती नंबर वन काफी काटा द्वापर युग के आज में नहीं बनते अंत में बनते जो सबसे ज्यादा याद करेगा यहाँ संगम युग में वो सबसे पहले नीचे गिरेगा या सबसे बाद में नीचे गिरेगा युग के अंत में जब आखिरी जन्म होता है जब शिव बाबा आ जाते हैं क्या हमारा ये अंतिम जन्म है बेसिक में गए तो हमें पता चला कि इस जन्म में जो को कुछ हिसाब किताब है वो भोगना ही पड़ता है
बहुत दुखदायक होता है जो मालूम है हमें, जो हमने आज तक शुरू किया है ये बहुत दुखदायक है। इसको मिटाने के लिए कुछ है, अभी है लेकिन वो जब हमारा ये आखिरी जन्म शुरू होता है, यानी कि आखिरी जन्म में हम जो कर्म करते हैं ना, वो जो हिसाब किताब लोग हमारे से लेते हैं ना, वो बहुत कड़ा होता है। बदलने के क्या है? बदलेंगे बता दीजिए। हर कल्प के बाद बदलता है क्या? नहीं, क्यों बदलेगा? नहीं, कर्म के अनुसार ही निकलेगा। नहीं, ये संकल्प के ऊपर हम जितना करेंगे या याद करेंगे बाप को, और जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके पुरुषार्थ पर वो ऊपर का वो पाठ्यक्रम का ड्रामा लिख देता है। यानी कि आप उतना ही याद करेंगे जितना तिरसठ जन्म में आपने साथ दिया होगा बाप का। तिरसठ जन्मों में आपने बाप का जितना साथ दिया होगा आप उतना ही याद करेंगे, उतना ही सहयोग करेंगे। लेकिन द्वापर युग में भक्ति मार्ग तो है, दुर्गति मार्ग है, दुर्गति मार्ग है। तो जो राजा ही बनते हैं वो भी तो लड़ाई लड़ते हैं। द्वापर के आज में सारे राजा एकदम लड़ाई लड़ना शुरू थोड़ी कर देते हैं। कलयुग में आते आते तो लड़ाई हो ही जाती है। कलयुग के शुरुआत लड़ाई शुरू होती है। वो भी तो लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, वो भक्ति मार्ग में नहीं आता है। वो भक्ति मार्ग में रावण का एक सिर नहीं है, वो तो सबसे बड़ा सिर है। किसको फॉलो करे? तो ऊपर में किसको फॉलो करे? तुमको शिव बाबा को देखना है या प्रजापिता को देखना है? तुम्हें देखने को कौन आता है? तुम याद किसको करते हो? तुम्हारी चीज कैसे किसकी होती है? वो भी ऐसा ही करते हैं। जो हमारे पिछले जन्म में हमने जो सहन किया, यानी कि बहुत बहुत दुख सहन किए, वो जो बदलते नहीं है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लेकर क्या करेंगे? ब्रह्मा कुमारी को ज्ञान कहा है, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान लेकर क्या करेंगे? वो जो बदलता नहीं, क्या नहीं बदलता? जो ज्ञान में आने के पहले जो कड़े संस्कार या कोई दे रहा, हमारे हाथ से कोई दुख हो गया या कोई गलती हो गई, वो चेंज नहीं होती तो फिर क्या? और ड्रामा रिपीट हो जाएगा और वैसे ही हमारे से गलती हो गई। ड्रामा भी जब घी में डाली जाती है तो घी में डालने के तुरंत बाद ऊपर आ जाती है क्या? नहीं, टाइम लगता ना। ये पकते पकते जब पक जाएंगे तभी तो देखने में आएगा कि सुधार हुआ। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगेगा? एक सेकेंड। और ये सत्तर पान किस खाते में गए? मेरा प्रश्न है, आपको समझ में नहीं आया? दादा उनका सोच क्या है वो भाई का? हाँ। कि ड्रामा एक्टिवेट है, बाबा बोल रहे बनी बनाई बन रही, अभी कुछ बननी नहीं। हाँ। तो फिर ये बनी बनाई है तो हम क्यों विश्वास करें? रोटी मत खाओ, क्यों खा लेते हो रोटी? रोटी का छोड़, रोटी को छोड़, सुख जरूर होवेंगे, सुख जरूर होवेंगे, समझे? इसके लिए हाथ नहीं चलाना, मना नहीं करना, सिर्फ करने के लिए मना कर दो। तो बोलते क्यों फिर हम इतना याद करे वाला को? मत खाओ ना, खाना कोई भोग मत भोगो ना, मना किसने किया? वो भाई बोलते ड्रामा बनाई है ना, इस बात के लिए क्यों नहीं ऐसे सोचते? उसके लिए नहीं मैं सोचती, उसके लिए नहीं सोचते तो ये गलत बात है ना। आधे के लिए पॉइंट लागू करो, आधी बात के लिए मत लागू करो, ये तो ठीक नहीं। सोच वहाँ नहीं जा रही है, सोच खाली यहाँ हद में आ रही है। हाँ, तो इसीलिए वो टूटे हुए हैं भाई। उनके ड्रामा में ऐसा ही होगा तो ऐसा ही करेंगे। हाँ, वो बोल रहे आना होगा ना बाबा के पास वापस, तो मैं आ जाऊँगा। धर्मराज जिनसे लाने होंगे तो ले आए। ऐसे ये उसका है तगमग की बाबा, वो भाई आ जावे ज्ञान में वाला। ऐसा है।
बाबा मन तो सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है, तो मन तो सेवा नहीं होती तो कोई धन से सेवा करते ठीक है, तो धन से सेवा मानते हैं, धन से सेवा क्या है? ये अजीब सी बात है, देह का धन जो ज्ञान लगाएगा, देह का धन ज्ञान में लगाएगा तो बेहद का धन स्कूल धन भी बना देगा, वो यहाँ ज्ञानी होगा, वो ज्ञानी का सारा पैसा तोड़ लूट ले जाए स्कूल धन, वो जहाँ भी जाएगा उसके आगे भी क्या पैसा घूमता रहेगा, तो वो ज्ञान रतन है वो स्कूल धन में कन्वर्ट हो जाते हैं क्या, अब धन जहाँ कहीं भी हम लगाएंगे चाहे वो ज्ञान धन हो चाहे स्कूल धन हो, यहाँ कहीं भी हम अपनी मेहनत का धन अर्पण करेंगे मन वही जाएगा, धन की ताकत हम जहाँ कहीं भी लगाएंगे मन हमारा वही जाएगा, कृषि क्षेत्र कैसे घुमाना है पहले तो ब्रह्मा कुमारी वाला गोवाना से मिले कृषि क्षेत्र अभी बताया इतना हम गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, इतना हम अर्पण में बनेंगे उतना हमारा मनरूपी दर्पण पावरफुल बनेगा, अगर हम तन और धन नहीं लगावेंगे ईश्वर के सेवा में तो मन हमारा उस तरफ नहीं जाएगा, मन को बुद्धि को पावरफुल बनाने का यही रास्ता है, हम ज्यादा से ज्यादा विश्व कल्याण के लिए अर्पण करते हैं, मगर मन में भावना तो है वही, कोई कहे कि मन में भावना है नहीं, बस हाथ में रहता नहीं होता है, भाई लोगों के हाथ में रहता है क्या, आपके हाथ में जितना रहता है उतना करो, कितने काल दूसरे का चुरा के करो, लक्ष्मी नारायण के जब कंटन का जुड़े बच्चे को जन्म देते राधा कृष्ण जो आदेश आत्मा सर वो आदि में जो अष्टदेव उनकी सप्तक जय बाल रहता है, तो आदि में 17 साल 2017 तक है 2017 तक अष्टदेव का जय बाल रहता है, तो कंचन काय 2018 के बाद होती आश्रम होती लक्ष्मी नारायण को, वो काया बनेगी तभी तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होना शुरू होगा, आदि देव वो देह बांध रहता है तो अष्टदेव को जो आदि 2018 के आदि देह बांध रहता है अष्टदेव को ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा रहता होगा, संपूर्ण देह अभिमान खत्म हो जाए तभी तो राधा कृष्ण जैसे देवताओं का जन्म हो सकता है, ये कहते हैं सफाई होगी तो लक्ष्मी आएगी, हाँ जी, और लक्ष्मी आएगी इधर और इधर बोल रहे की माँ काली विनाश करेगी, माँ काली का क्षेत्र अपना है लक्ष्मी का क्षेत्र अपना है, पर माँ काली तो सफाई करेगी तो लक्ष्मी आएगी ठीक है, पहले माँ काली सफाई करेगी पहले लक्ष्मी आएगी, दोनों काम साथ साथ होते हैं ये आगे पीछे होते आगे पीछे होते नहीं, हीरो से मान आगा था कि विनाश हुआ था पहला आगे पीछे तो हुआ था तो उस समय स्थापना हुई थी कि नहीं, तो जितनी स्थापना उतना बिना मतलब दोनों साथ साथ चलेगा, दोनों दोनों बुझाएं अपना काम करेगी अलग अलग अभी नहीं देखने में आ रही, अभी तो वो ही दिखने में आ रही ना, कौन सी इधर ब्रह्मापुरी दर्शन कर रही, अच्छा अभी मैं तो अपना कार्य नहीं कर रही, उसकी अपनी यूनिटी नहीं तैयार हुई, आने की बात क्यों तैयार, यूनिटी पहले से ही तैयार नहीं पड़ी, जब मुरली को जाते समय बच्चे ने एक कप चाय दिया है, मुरली से आए तो पड़ोस को पता लगा पाने वाले है, तो उसने खाना ही नहीं खाया, दूध भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, अभी तक ऐसा ही बैठा, खाना भी नहीं मांगा, हाँ तो खुशी जैसी गुराग नहीं शंकरपुरी वाला शंकरपुरी मगर शांति धाम नहीं, शांति धाम से नीचे की स्टेज है शंकरपुरी, शंकरपुरी माना सूक्ष्मपुरी है,
लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु की पूरी से ऊंची है, लेकिन निराकारी स्टेज के बहुत नजदीक है। नहीं बनेगा इसी चलती में तो नहीं उस टाइम ब्रह्मा पूरी दिखाई देगी दुनिया। ब्रह्मा पूरी साकार पूरी नहीं होगी, साकार पूरी में रहने वाले लोग कल 36 तक नहीं रहेंगे। मन चिंतन मंथन करने वाले लोग नहीं होंगे, देवताएं भी होंगे। अभी ये जो आश्रम बापू इनका नाम लौकिक हो रही है, तो ये किस तौर पे आने वाले हैं? क्यों हो रही है इनके नाम उनमें स्वर प्रवेश है ना? ऊपर से आत्माएं आती है उनका नाम आचार होता है, जिसमें प्रवेश करती है वो देवी देवता सनातन होता है। देवताओं की महिमा करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, पूरी प्रकार से गायन करते हैं, वो उस कैटेगरी के पक्ष है या नहीं? मंडे लक्ष्मी नारायण जो होगी उसको जन्म लेने वाले सबसे पहले जो मात पिता होंगे उनकी तो पहले बनेगी। क्या उनकी दो की कंचनकाया बन जाएगी और दो में से दो बच्चे पैदा हो जाएंगे पर वो चार ही रहेंगे? तो परिवार होगा ना, छोटा परिवार होगा। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है उसका काम क्या है? जिसको समझ में आ रहा होगा वो हो जाएगी। बाबा मम्मा अंत तक रहेगी तो ये ब्रह्मा के लिए है या वो घर के लिए? क्या ये मम्मा अंत तक रहेगी तो ये ओम राजे वैष्णवी के लिए है या ब्रह्मा जन्म पति राज कौन करेगा? करेगा खालसा शरीर के साथ खालसा होगा कि बिना शरीर के खालसा होगा? दुखी आत्माओं को कैसे सुख देना है? इन्हें सुख देना है हमें। हाँ ठीक है, ज्ञान के आधार ही हमें ज्ञान की आत्माओं को पहले सुख देना है, पहले अपने सुख देना है। अपने अपने अपनी आत्मा को सुख स्वरूप बनाएंगे तभी तो दुनिया में जाए आत्मा सुख स्वरूप बनेगी। अगर पहले हम अपने को देखें कि हम सदैव सुख स्वरूप है, लगता है ये तो भविष्य की बात होगी, लेकिन उनको सुख देने से पहले हम सुख स्वरूप बने हैं। चौबीस घंटे में कोई ऐसा क्षण तो नहीं आता कि हमें सुख महसूस होने लगता है। दूसरों को देने वाले कैसे बने? 10% भी सुख रहे तो दूसरे को नहीं देना। ऐसे लगता है कि दिल्ली जाने के लिए पैसा लगता है, मन का भी गुजार होता है। अपनी आत्मा इतनी सुख स्वरूप बनी है कि अंदर से सुख नहीं आता है, वो पैसा अगर इसकी सेवा में लगाएंगे बाहर दुनिया वाले तो थोड़े होने वाले बाहर दुनिया वाले तो उन्हें पैसा दोगे वो जाके शराब पी आएंगे। विचार करते हैं।
लेकिन बाबा कोई कोई ऐसे आते हैं दारू, मतलब बच्चे ऐसे गरीब होते हैं जिनका पति दारू पीता है और माताएं बहुत दुखी होते, जिनका पति शराब पीता है और माताएं मार खाती है, नहीं तो उनको देखे खुशी करना नहीं है, फिर ऐसे बाल बच्चे जिनके अंदर ज्ञान ही नहीं है, जिनके ऊपर भगवान ने ही अभी तक रहमत नहीं की है, उनके ऊपर हम रहमत करके क्या पता फायदा चलेंगे क्या? और बाबा ये संगम में भी भगवान जी है, फिर भी ऐसी कोई आत्माएं गए मना बच्चे बाबा के कि उनको बहुत ही मना पैसे मिलता खाने रोटी नसीब ऐसा क्यों भगवान? भगवान के बच्चे, भगवान के बच्चे ऐसे कोई नहीं जिनको पावर आता नहीं मिलता, और क्या करने के लिए क्या चाहिए? दिन भर काम करो उसको अमृत वेला नहीं होता, बस ठीक है, दूसरे का काम करते हो, दूसरे का काम करने वाले कम कार में दुनिया जिसको लगन लगी होगी वो करेंगे, कर्म करते हुए हमें याद में रहना है या कर्म छोड़ करके याद में बैठना है? संगम से मिल जाएगा ना सुख है, अब काया कंजन होगी तो सुख मिल जाएगा, अभी मिल सकता है, अभी तो मिला है ना लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे मन की आँख से हम देखने की कोशिश करें ना, वो ज्ञान की एक ऐसी पराकाष्ठा होती है कि दुख में भी हम अपने को नहीं छोड़ सकते, भगवान के भक्ति बहुत करते हैं ना, जो लोग भक्ति करते हैं ना उनको वो गरीब हो जाते हैं, और ये भक्ति नहीं करते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, ये जन्म का पैसा, ये जन्म की बात है क्या? यही ये एक जन्म की बात है कि अनेक जन्मों की बात है, ये हमें कैसे पता चलेगा बाबा? क्यों नहीं पता? हम इस जन्म के पुनर्जन्म नहीं मानते हो, तो मानते हो, मानते हो तो मानो ना, इस बात को तू जन्म में उसने ऐसा किया है, कब करीब पता नहीं जन्म चैप्टर में बोला है पूर्ण बन गए तभी उनका जन्म भी हुआ ना, शास्त्र में बोला ना कोई संपूर्ण बन गए तभी तो उनका जन्म भी हुआ ना, तो बाबा उन्होंने उस टाइम एडवांस ज्ञान तो नहीं लिया शास्त्र में, ये जो जन्म ले रहे हैं ना जगदम्बा और वैष्णवी तो उनका जन्म हुआ, जगदम्बा और वैष्णवी का जन्म हुआ बोला ना, कितने हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तो 40-45 की बात, तो फिर वो तो नहीं था उनके उस टाइम पे, वो कुछ जन्म नहीं कहते, बाबा बोलते हैं झूठ ही झूठ मेरे ही झूठ सच्ची रस्सी नहीं, तो मेरे ही मन सफेद झूठ ने बोला है जगदम्बा बचेगी बचेगी अगर लाइन कन्वर्ट नहीं होंगे जैसे लक्ष्मी है, लेकिन आपने कन्वर्ट कर दिया झुका दिया, अगर झुका दिया क्या अब योगी संस्कार नहीं है, अगर ये संस्कार पक्के नहीं है तो संस्कार पक्के नहीं है कच्चे पड़ गए, तो हट के संस्कार पक्के तो हटियों साकार साकार
जल्दी से आ जाएंगे तो क्या जल्दी तोड़ के आ जाएंगे रोटी दो।
नहीं साई बाबा की जीवन नहीं खाते ना, कोई भूखा ना जाए, कोई आए दरवाजे से दूर तो थोड़ा रोटी कुछ तो दे वो नहीं साई बाबा को खा लो नहीं, ऐसी कर्म करे की आपको भूखी है भूखा है तो उसको आधी रोटी आपको क्या पता वो भूखा है या आपने जो आटा पैसा दिया वो रोटी हाँ रोटी भी देते हैं वो भी फूट काट करके बाजार में जाके बेचते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा मोहताबू में जा रही है ठीक है, पर उसको शरीर नहीं है तो वो कैसी आवाज सुन रही है, उनका आवाज कर रहे वो आ जाओ ब्रह्मा बाबा आ जाओ, मतलब उसमें तो जा रहे थे बुरा देखा है और देखा है वो उससे तो आवाज कर रहा थे देखा है फिर आत्मा प्रदेश कर जाती है कान के बिना ही आ सकती है दुख लेते लेकिन दुख लेते नहीं मतलब आत्मा नहीं बनी है एक काम से सुने और दूसरे काम से निकाल देते आत्मा होनी चाहिए कि आप देखा देखते हुए मैं नहीं देखा बाबा ब्रह्मावती तो पढ़ाई पढ़ रही है ठीक है तो पुरुषार्थ मना पढ़ाई क्या यही है क्या पुरुषार्थ पढ़ाई पढ़ना पुरुषार्थ नहीं है फिर डायरेक्ट ब्रह्मा से विषय बन जाना की बात है तो पुरुषार्थ करना नहीं है मना करना नहीं है किसने कहा पढ़ाई मना ही पुरुषार्थ है ना पढ़ाई मैंने पुरुषार्थ है पढ़ाई भी कई तरह की होती है एक होती है प्रैक्टिकल पढ़ाई एक होती है थ्योरेटिकल पढ़ाई एक ऐसी होती है पढ़ाई जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं रट लेते हैं सुनते हैं सुनाते हैं वो तो हो गई उनकी हाँ तो बस ऐसे ही पढ़ाई भी जो पढ़ाई चल रही है प्रवेश के पढ़ाई के भी ग्रेड्स है शंकर के अच्छी पढ़ाई कौन है अच्छी पढ़ाई कौन अच्छी पढ़ाई वो पढ़े और पढ़ने के साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग बन जाए पढ़ाई पढ़ चल रही है ब्रह्मा जी भी पढ़ाई चल रही है गीता का भगवान का नहीं है बैठे ना वो पढ़ाना बाबा अष्टदेव में यमराज धर्मराज और महाकाल इंद्रदेव ये सब तो प्रजापिता की पार्ट है फिर नाम अलग अलग है भुजाएं नहीं है तो वो ब्रह्मा की भुजाएं नहीं होती है प्रजापिता ब्रह्मा की भुजाएं जी पार्ट तो वही नहीं बना रहा है प्रजापिता पार्ट बजा रहा है और किसी भुजा दूसरे पार्ट बजाना बंद किया तो प्रजापिता ही पार्ट बजा रहा है या कहेंगे तो भुजा पार्ट बजा रही है या पार्ट बजा रही है छोटे पिता ही पार्ट बजा रहे हैं जाए जो है पिता चलाने वाले की कैसे चलेगी उसके कर्मानुसार महिमा हाँ जी अष्टदेव के ये नाम है ना बाबा यमराज धर्मराज महाकाल सूर्यदेव वरुण देव अग्निदेव वायुदेव तो ये तो आठ ही भुजाएं होती है आठी बुझाए आठों भी आठ ही बुझाए और ज्यादा बुझाए नहीं है ब्रह्मा की ब्रह्मा की है प्रजापिता स्वयं ब्रह्मा नहीं है बाबा पति अगर काम भी कर मांगता है तो उसे देना ये पाप है या पुण्य पाप है लेकिन वो मारता है नहीं मारता तो नहीं है लेकिन फिर भी चिल्लाता है क्रोध करता है बाबा ने तो मुझसे भी ये बोला कि जबरदस्ती तुम्हारे हाथ पांव बांध के चार पाई से अगर जबरदस्ती करता है तो उसका पाप बनेगा इतना तक सामना करने की ताकत चाहिए और उसने बोला और तुमने कर दिया तो गुस्सा भी कर दिया बता दिया
चिपके रहो, आगे आगे टाइम मारने वाला देखे तब तक चिपके रहो। भक्ति में तो कहते हैं जात पात कुछ नहीं देखना है, ऐसे बोलते हैं ना कि बाबा आके खुद यहाँ नौ धर्म बताता है, नौ धर्म का गुण बताता है, पहचानना बताता है। हाँ? तो ये भगवान क्यों सिखाता है इसे? धर्म है, धर्म है, ये अधर्म है, अधर्म के गुण बताए, अधर्म है। नहीं गुर्दा बनना अच्छा नहीं, नहीं निकाल तो करना अच्छा नहीं लगता, फिर मुर्दा बनना भी अच्छा नहीं लगता है, पति के सामने विकार भी करना अच्छा नहीं लगता और मुर्दा बनना भी अच्छा नहीं लगता, बस करना भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर हट हो गया ये मुर्दा बनना। एक बात करना यही बात क्या? नहीं बाबा विकार तो बनना ही पड़ेगा। बनने का मतलब क्या है? एक प्रकार की बात नहीं है, सभी प्रकार से देहभान से मुर्दा आखिरी बनना ही पड़ेगा, नहीं बनेंगे तो माला के मन के मन ही चिल्ला से क्या होता है? लेकिन फिर गली में माला गाँव में जानी है देते तो गालियाँ हमको चिपक जाती है क्या? बाबा में मत जाना चाहिए, किसी को नहीं आने वाली। गालियाँ चिपक जाती है हमको, नहीं दूसरे को नहीं आने देते, दूसरे दूसरी मांगाओं को भी बंद हो जाता है आना। वो माता पावरफुल नहीं होगी वो नहीं आएंगी, जो पावरफुल आत्माएं होगी वो फिर भी आएंगी। बोला है महाकवि का पार्ट माना क्या है, तो उन्हीं से बुद्धि निकाल के हीरो पार्ट धनी के लगा देना, ठीक है? तो वो तो उसका खत्म करने वाली है ना माँ, माँ गाली माना भी ना देवान को खत्म करने वाली देवान को सरकार देती है, सरकार की माने देह से अटैचमेंट आत्मा का अलग कर दिया, तो आज की माला में पेट भर लेने दो बाबा। नारायण दादिया बनेगी या दादाएं बनेंगे? नारायण ये आधार मूर्त में नारायण है ना, जो यहाँ पावक पाठ बजाएगा वो नारायण बनेगा, और जो प्रभावित होने का पाठ बजाएगा वो नारायण बनेगा। पावरफुल पार्ट तो दादिया ही बजा रहे, दादिया बजा रही तो नारायण बनेगी, पर वो दादा है तो उनको अंडर में कंट्रोल में रख रहे हैं। किनको? जैसे जगदीश भाई कंट्रोल में रख रहे हैं ना। किसको? दादियों को बोला ना कि एडवांस ज्ञान बहुत अच्छा है जाके, तो बोले जगदीश भाई से पूछे। हाँ इसे बोला ना दादी ने, तो वो दादी बना रहे हैं? नहीं नहीं बना, किसी के ना किसी के कंट्रोल में नहीं रहे वो। हाँ तो वो नारायण जिस समय उन्होंने बोला पूछो जगदीश भाई से, तो उस समय की छुट्टी हो गई, वो नीचे रहेंगे वो ऊंचा रहेंगे। एक एक जन्म के बाद चौरासी आज वो प्रजा बन के रहेंगे, वो राजा बन के रहे। और बाबा ये आठवां नारायण गुलजारदा जी बनेगी तो ये स्वर्ग में नहीं आएंगे अभी फर्स्ट में कृष्ण के साथ? आठवां नारायण बनेगी तो बाद में ही आएगा ना, तो उन्होंने कहते हैं कि देख लिया कि मैं कृष्ण के साथ डांस कर रही हूँ। तो कौन से कृष्ण के साथ डांस कर रही हूँ? साक्षात्कार कृष्ण के साथ, माना कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के साथ। हाँ हाँ
तो वो ब्रह्मा के टाइम आना चाहिए ना उसको जन्म। धर्म है या नहीं कुछ धर्म? मन आएगी फर्स्ट में जन्म कृष्ण के साथ थोड़े समय के लिए। थोड़े समय आ सकते हैं? तो थोड़ा समय तो होता नहीं, वहाँ तो आयु बहुत लंबी होती है। कहाँ? सतयुग में। सतयुग की बात है यहाँ की बात है? यहाँ तो थोड़े समय में आ रहे। यहाँ का थोड़े समय, वहाँ का लंबा समय हो जाए। तो कृष्ण वाली आत्मा के साथ सभी आ रहे हैं आठ नारायण जन्म में। प्रवेश करके आएंगे ना? बस नारायण है तो एक दिन जो और नारायण है वो प्रवेश करके आएंगे या ऐसे ही आएंगे? प्रवेश कर रहा है आत्मा प्रवेश कर रही है। सतयुग का कुछ है, सतयुग में वो कृष्ण वाली आत्मा जन्म होगी। वो 2036 में राज्य पे बैठेगी राजा बन के। ठीक है, तो उसके साथ होगी क्या ये आठ नारायण? मतलब आप कहीं भी जन्म में होंगे क्या? सती वो पहला नारायण है, जन्म में नीचे उतर जाएगा। वो दूसरे जन्म में और नीचे उतरेगा। ऐसी सब पहला मतलब कच्चे में नहीं होगे, अब कच्चे नहीं होगे। नहीं नहीं भगवान माला में फूल दिखाते, ऊपर शिव है फूल है से कपड़े का लिखा, और मेरु दाने ब्रह्मा सरस्वती माता पिता है। तो फिर ये माला में आखिरी मन का इधर जगदम्बा आ रही है, इधर वैष्णवी आ रही है, तो वो मेरुदाना के साथ कौन जोड़ी है? युगल जोड़ी। जो युगल जोड़ी दिखाई जाती है वो तो विजय माला की है। विजय माला, हाँ जी, तो माला की नहीं है तो माला में तो मेरुदाना भी होता है। नहीं, युगल वर्ग का नहीं होता है। विजय माला, हाँ जी, भाई भाई है। चार नाम दिए हैं, चार नाम दिए है, वो विष्णु के लिए चार नाम दिए। किसी माला की बात है, चार नाम डबल आ रहा है ना बाबा वैष्णवी। मेरे दाना के साथ भी वैष्णवी, नीचे भी फर्स्ट नंबर वैष्णवी, काय के लिए फर्स्ट नंबर जगत पिता है और जगत माँ जगदम्बा। बोला ना माला है, माला में फर्स्ट नंबर लक्ष्मी है और लास्ट नंबर जगदम्बा। ठीक है, वो तो स्त्री रूप हो गया। उनमें ब्रह्मा बाबा आएगा, उनमें ब्रह्मा बाबा आएगा और बाबा आएगा। वो मेरे जाना हो गया और इधर जगदम्बा आठ आत्माएं है। विष्णु के पार्ट में पांच आत्माओं को कॉम्बिनेशन है। एक हो गई राम की आत्मा, वो तो हो गई सिर शरीर चलाने वाली, वो तो शरीर को चलाने वाली हो गई। बाकी हो गई जगदम्बा उसके साथ ब्रह्म, और हो गई छोटी मम्मी और उनके साथ ओम राजे। चार बजे हो गई। बाबा वो आंसर ऑफ 99 में बोला है, महारथी तो स्वप्न में त्रिमूर्ति का सिंह आ गया। महारथी के स्वप्न में तो वो मर जाते हैं। मूर्ति का सिंह, सिंह त्रिमूर्ति में जो सिंह वाली आत्मा है ना, वो आ गया तो वो मर जाते हैं। तो क्यों बाबा मरेंगे? वो तो अच्छा है ना, स्वप्न में नहीं आया था। त्रिमूर्ति में शेर तो राम वाली आत्मा ही है ना। एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है। हाँ, तो सिंह पारधारी तो स्वप्न में आ रहा है तो अच्छी बात है ना। तो ये महारथी मर क्यों जा रहा है? अगर बकरी के स्वप्न में शेर आ जाए तो बेचारी मरी जाएगी ना। क्यों मरेगी? क्योंकि बकरी है, उसे एक बार पानी पिएंगे ना। तो सत्यु जब पानी पिएंगे तब पानी पिए, सब तो अभी आ रहा है ना। अभी मार के मारे तो वो मारती है क्या? कौन? बकरी।
बकरी काहे के लिए महारथी, बकरी है तो मरेगी क्यों? महारथी के स्वप्न में भी आ रहा है तो महारथी होता है हाथी। हाँ, और शेर जब सामने आता है तो हाथी पीट करके खड़ा हो जाता है। जब हाथियों पर हमला होता है दिखाई देता है वो काला ही अपना सर मिला करके खड़े हो जाते हैं, हो जाते हैं उनकी जाने शेर है वो जो हमला नहीं कर पाता। हाथी मरते क्यों है? हाथी क्यों मर रहे हैं? हाथी क्यों मर रहे? हाँ, उनके स्वप्न में वो शेर आ रहा है। जी कहाँ लिखा, कहाँ बताया गया है हाथी की से शेर आया? 99 वार्तालाप में। तो ये वर्तमान की बात है ना? आखिरी पुरुषार्थ की बात थोड़ी है, अभी की बात है। हाँ, माना मरेंगे फिर जिंदा हो जाएंगे। कौन? महारथी। मर भी रहे जिंदा भी हो रहे, फिर हमला भी कर रहा है। बाबा पशुपतिनाथ सोमनाथ अम्बरनाथ ये सब नाथ है ना? तो ये बाबा के पास है। शिव बाबा के? प्रजापिता के। शिव बाबा के पास? शिव बाबा के। हाँ, तो पहला ही वो अष्टदेव में पहला देव है वो। क्या? तो 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग अलग पूजा हो रही उसकी, तो नष्ट देव की भी पूजा हो रही है 12 के साथ। नष्ट देव कहाँ पूजा हो रही है? 12 भी बोला है ना बाबा ने, नष्ट देव की। अच्छा, देव की पूजा है, उनकी मूर्ति है तो वो 8 देव हो गए। 12 की कहाँ मूर्ति है? 8 की तो मूर्तियाँ है। 12 देव चार में लिंग नहीं है क्या बाबा? चार में लिंग नहीं है? लिंग है वो, लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगम गाए गए हैं, लेकिन 12 जो भी ज्योतिर्लिंगम है उनमें पार्ट बजाने वाला तो एक ही है। हाँ जी, शिव बाबा। तो बाबा कहा तो ऐसे जलाधारी दिखाते खाली और लिंग नहीं दिखाया है। हाँ, कहा तो नहीं है, त्र्यंबकेश्वर में नहीं है। हाँ, तो अव्यक्त हो गया होगा तो हो गया। और क्या देखने में नहीं आया तो कहाँ से दिखाएंगे? पूजा भी हो रही है जलाधारी, देख लो। जलाधारी देखने में आती है, जलाधारी पूजा हो रही है। बाबा 2007 में शंकर के 30 साल पूरे हो गए। 2007 मैंने अभी 7 जनवरी लगा तो अभी तो 33 साल रहेंगे, माना 3 साल तो शंकर के बचे हैं अभी तो। 33 ईयर ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना तीन। ये तो कोई, ये कोई जरूरी नहीं। 33 बोले ना? 33 बोले। तो वैष्णवी तो 2008 में आ रहे थे, और 8 से ज्यादा बढ़ जाए तो नहीं क्यों? बाबा ने क्लियर किया है ना, बताया है 3-4 साल लगते हैं। क्षेत्र में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। हाँ, तो आपने जान लिया क्या? तो हमने जाना नहीं क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ने बताया नहीं। उन्होंने जाना थोड़े थे ना ऐसे ही, पर यहाँ तो मालूम हो गया ना हमको, बाबा ने बता दिया। तो बाद में पता चला ना तुम्हें 3 साल के बाद? नहीं नहीं, अभी जब से एडवांस में आए तब से पता हो गया। अभी पता चला ना, 3 साल के बाद मालूम पड़ा ऐसे ही। सबको पता चल जाएगा ये सब? क्या नहीं पता नहीं चलेगा, बाबा ने वो तो ज्ञान बता दिया है ना पूरा, उनको बता दिया है। तो हम विश्वमाला कुमार जी बन गए, मतलब डिक्लेयर हो गया ना। डिक्लेयर होने से हमको क्या फायदा होगा? तो
हमारी भी वाइब्रेशन से बन जाएगी स्थिति, हमारी वाइब्रेशन से, उनके वाइब्रेशन से हमारी स्थिति बन जाएगी ना, हमारी स्थिति जब बनेगी, जब वो वाइब्रेशन से हमारा कुछ अच्छा होगा, बाबा बोला है 16,108 पैसा के अंतर्गत आवेंगे तो बाबा उनको जन्म कम होगा क्या उनका 16,108 लास्ट में आवेंगे तो लास्ट में जन्म कम नहीं हो जाएगा तो अभी नहीं आएंगे में वो लोग के पास हैं जन्म कम हो जाएंगे कि नहीं होगी नहीं कहोगे उनके जन्म कम नहीं होते जाएंगे तो लास्ट त्रेता के अंत तक आएंगे उनके और ही जन्म कम होंगे मतलब सभी उनको देख ही नहीं पाएंगे अंत तक त्रेता के अंत भी आदि का नहीं देख पाएंगे बाबा बोला है भट्टी करने गए पर मेल फीमेल बन के आ गए मेल है वो फीमेल बन के आ गए ऐसा कैसे एक तो 8 वार्तालाप में बोला है जो भट्टी करने गए वो मेल मतलब बाबा के घर में हम पिल में तो वो मेल फीमेल बन के आ गए मना हो गई ना वो शंकर की पार्वती बन गई इनको बात तो नहीं क्या बोल रहे भट्टी करने गए तो मेल जो थे गए वो फीमेल बन के आ गए तो बुद्धि से क्या चोला तो सफर में चेंज नहीं होगा ना चोला भी चेंज होगा जो इतनी चोला होगा और उसमें कंट्रोल करने की संस्कार ज्यादा है चोला चेंज नहीं होगा में अभी चेंज नहीं होगा पहले भी चेंज हो सकता है जो हार्मोन है हार्मोन के आधार पर चोला अभी चेंज नहीं हो रहा है नहीं आप समझे अपने आप ही चेंज हो जाता है हाँ जी जिनमें कोई छुट्टी के संस्कार ज्यादा होते हैं उनके उनके चेहरे थोड़े चेंज हो रहे हैं संस्कार है उनके चोले चेंज हो जाते हैं ये आपके संगीत चेंज हो रहे हैं तो दुनिया में हो रहा है अंदरूनी वाइब्रेशन की बात है बाबा ब्रह्मा और चंद्रमा बार बार अनिश्चय में आते हैं ठीक है तो उनकी यहाँ यादगार क्या है भक्ति में पीपल का पत्ता वो तो पूजनीय नहीं है पीपल का पत्ता पीपल का पेड़ पूरा पूजा नहीं जाता है जगदम्बा की मूर्ति नहीं रखी जाती है छोटी सी मूर्ति नहीं रखी जाती है काली के ऊपर काली के ऊपर देव के ऊपर गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है तो फिर तो शंकर भी एक तो मिक्स है ना शंकर तो मिक्स पार्ट है तो फिर वो सभी भगवान कैसे हो गए राम कृष्ण शिव शंकर में मिक्स है ना आत्माएं शरीर धारी पार्ट धारी का नाम लिया जाएगा कि दूसरों का नाम लिया प्रवेश करने वालों का नाम लिया जाएगा शरीर धारी का नाम शरीर के ऊपर पड़ता है कि आत्मा के ऊपर पड़ता है शरीर बनना पड़ता है बाबा ये नदियाँ प्रवेश करेगी तो उन आत्माओं के भी सब जन्म होंगे नदियाँ प्रवेश करेंगे नदियाँ
बाबा बोलते हैं ना चौरासी जन पूरा क्लियर होगा, एक दूसरे के देख पाएंगे हम तो साकार में या फिर जीव दृष्टि से संकल्प सिद्धि चाहिए बाबा और सेवक पार्टनर थे तो उनका 14 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिया। ये तो कोई मुजिम नहीं है, 14 करोड़ रुपया दे दिया जो पार्टनर के साथ 14 करोड़ काम में आया। आप किताब दे दिए तो उसके भी पास उतना पैसा होना चाहिए ना फिर उसके पास जितने किताब दे दिया उसके भी पास तो उतना पैसा बचा होगा ना वो भी तो फिर गरीब कैसे है पैसे वाला ही होगा। ये कौन कह रहा है कि ये भी आदमी गरीब था? गरीब तो पहले था जब बाबा का पार्टनर नहीं था। जब बाबा का पार्टनर हो गया तो आज ही जो पावर है पैसे की वो पार्टनर की भी हो गई ना। जब पार्टनर नहीं था तो गरीब था। कहते हैं खुदा के शब्द को 8 हस्तियों उठाते हैं। खुदा पहले ही खुदा तो खुद है ना, खुदा खुद ही है तो वो पहला देव है तो 8 देव कैसे उठाएंगे? प्रवेश नहीं है अष्टदेव, खुदा में प्रवेश नहीं होता है तो वो देव उठाना। और क्या हो गया चलो भाई हो गया।